नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO का प्रैक्टिस सेट संख्या 21 हल करेंगे। इसके पहले हम जो है 20 सेट हल करा चुके हैं। जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं, वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर BEO प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से हल कर सकते हैं। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो प्रश्नों को हल करने के बाद जो है आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए जो है आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विष्णु के अवतारों में मत्स्य अवतार का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, मोगली पुत्र तिस। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए लिच्छवी दौहित्र का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, समुद्रगुप्त के लिए। और अगला क्वेश्चन है, मराठा शासक शिवाजी ने अपने राज्य का शासन जिस मंत्रिपरिषद की सहायता से किया, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, अष्टप्रधान। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था आरंभ की थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, जैन धर्म से। पार्श्वनाथ का संबंध जो है जैन धर्म से था, वह जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर थे। और अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, हेनरी विविवियन डेरोजियो द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया था यंग बंगाल आंदोलन। और अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, यह जो है मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, यह कथन क्या है गलत है। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, सादत खान। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। पहला है मोपला विद्रोह, दूसरा बारदोली सत्याग्रह, तीसरा चंपारण सत्याग्रह, चौथा है नमक सत्याग्रह। तो उपयुक्त का निम्नलिखित में से कौन सा तैथिक क्रम आरोही क्रमानुसार सही है। तो आपको जो है तिथि के अनुसार इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और कुट के माध्यम से जो है बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। सबसे पहले है मोपला विद्रोह, तो यह हुआ था वर्ष 1921 में केरल में। और अगला है बारदोली सत्याग्रह, तो यह हुआ था 1928 में। और नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, तो यह हुआ था 1917 में। और अगला है नमक सत्याग्रह, तो यह हुआ था 1930 ईस्वी में। तो आपको जो है क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह, यानी कि 3 पहले हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मोपला विद्रोह, 3 के बाद जो है 1 होगा, यानी कि ऑप्शन बी आप देख सकते हैं मैच कर रहा है, 3, 1, 2 और 4। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, नाना साहेब। और अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है पुस्तक लिखा गया था द इंडियन स्ट्रगल। और अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था। तो अभी जो है इसके पहले भी यह क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा हेनरी विविवियन डेरोजियो। और अगला क्वेश्चन है, 1945 के शिमला सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, लॉर्ड वेवेल जो है 1945 में शिमला सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा जो है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, सन 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा जो है भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किस संबंध में है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए जो है के संबंध में जो है अनुच्छेद 23 और 24।
और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में निम्नांकित में से क्या सम्मिलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेवा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों के निर्धारण से संबंधित है? तो आपको बताना है जो है कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा में राज्यों के सीटों के लिए जो है संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची यानी कि चौथी अनुसूची जो है वह राज्यसभा के सीटों के निर्धारण से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया, जिसको जो है 21 का ए में जो है रखा गया है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, भारत का महान्यायवादी जो है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है, इनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण जो है वह लागू नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, अनुच्छेद 51 जो है वह विदेश नीति से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, जब जल में लवण मिलाया जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ जाता है। और अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, मीथेन गैस, जिसको जो है CH4 कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, उन ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैसें शामिल हैं जिन्हें अन्यथा रेडियो एक्टिव रूप से सक्रिय गैस कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो है यह एक आक्सी कारक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग धोने के सोडे जिसको धावन सोडा भी कहा जाता है के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, सोडियम कार्बोनेट, और खाने का सोडा जो होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, प्राकृतिक रूप से बाल सफ़ेद होना जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और अगला क्वेश्चन है जो है, प्रेरक तत्व के SI मात्रक का प्रतीक H है, इसका अर्थ जो है क्या होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा H का अर्थ जो होता है हेनरी होता है, ऑप्शन सी जो है सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, रक्त आतंचन जिसको जो है रक्त थक्का कहा जाता है में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है, यानी कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका होती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा,
विटामिन के की भूमिका जो है वह रक्त का थक्का बनाने में जो है होती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध के दही बनने और अम्लीकरण का कारण बनता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा लैक्टिक अम्ल बैसिलस। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका माप है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा दूरी का। और अगला क्वेश्चन है, सुनहला धान यानी कि गोल्डन राइस अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का पादप है जिसमें समाविष्ट जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा विटामिन ए। कभी कभी जो है क्वेश्चन इस तरह आपसे पूछ लिया था कि सुनहला धान यानी कि गोल्डन राइस जो है किस विटामिन का स्रोत है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा विटामिन ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ सही होगा, लगभग 8 मिनट। सूर्य से जो है पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में जो है 8 मिनट 16 सेकेंड जो है लगभग लगता है। और अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का मापन किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा जीएम काउंटर से। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का कारक यानी कि कारण बन जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा N2O यानी कि सल्फर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा वायु यानी कि एयर। और अगला क्वेश्चन है, सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश विद्युत धारा, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है बढ़ जाती है। और अगला क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज पर दिखता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, जो है सॉफ्टवेयर वेब पेज पर दिखता है उसे वेब ब्राउजर कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही जो आंसर होगा यहाँ ऑप्शन डी से होगा, स्कैनर जो है यह इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस जो है नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का संचायक माध्यम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, ग्लाइकोजन। और अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। और म्यूटेशन थ्योरी के जो है जनक आपसे पूछ लिया जाता है, तो ह्यूगो डी ब्रिज जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, स्वयं परागण से क्या हानि होती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा, बीजों की संख्या जो है कम होती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति और सशक्तिकरण के संबंध में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई मंजिल। और अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक जिसको ADB कहा जाता है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, 1966 में ADB की स्थापना जो है वह 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है इसका मुख्यालय है। वर्तमान में जो है इसके 67 सदस्य देश हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष वर्तमान में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा, 2011-12। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से होगा, 29 जून को जो है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू होंगी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, वर्ष 2020 से 2025 तक जो है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वह NK सिंह बनाए गए हैं, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, कितने उद्योग जो है कोर क्षेत्र में शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, 8 उद्योग जो है वर्तमान में वह कोर क्षेत्र में शामिल हैं, जो कि हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, और दूसरा जो है वह आपका विद्युत उत्पादन है, तीसरा है स्टील उत्पाद, और चौथा कोयला,
पांचवा जो है वह कच्चा तेल, उसके बाद जो है नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस, और उसके बाद जो है सीमेंट उत्पाद, और नेक्स्ट है उर्वरक। तो ये आठ जो है क्षेत्र जो है कोर क्षेत्र में शामिल हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा का। और अगला क्वेश्चन है, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्तमान में जो है हैदराबाद, और तेलंगाना दोनों की राजधानी जो है वह हैदराबाद है। और हाल ही में अभी जो है आंध्र प्रदेश जो है वह तीन जगह बनाने का जो है प्रस्ताव पेश किया है, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुन्नूर। तो वर्तमान में जो है वह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वह कहाँ है, हैदराबाद जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम कार्बेट जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, चंबल के खड्ड निम्नलिखित में से किसके अच्छे उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अवनालिका अपरदन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, बाजरा जो है यह खरीफ फसल है, गेहूं जौ ये सभी जो है रबी फसल हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बुर्जिला पास स्थित है यानी कि बुर्जिला दर्रा स्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, जम्मू कश्मीर में। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित लैगून झीलों को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कयाल कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे पृथ्वी पर किस मंडल से वापस परावर्तित होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, आयन मंडल से। और अगला क्वेश्चन है, अल्फा अल्फा जो है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, अल्फा अल्फा जो है एक प्रकार की घास है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व की काफ़ी बंदरगाह यानी कि काफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंटोस बंदरगाह जो है वह काफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो यह ब्राज़ील में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजात पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिग्मी का निवास जो है कांगो क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी से हुआ। और अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, बेरिंग जलडमरू मध्य। और अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा एवं पंजाब में। और अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम में शामिल हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, उपरोक्त सभी यानी कि फिशिंग, हैकिंग और अनाधिकृत पहुँच एवं दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम कोड ये सभी जो है वह साइबर क्राइम में शामिल हैं। और अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, कार्ल मार्क्स द्वारा जो है दास कैपिटल पुस्तक लिखी गई है। और अगला क्वेश्चन है, जीएम फसलों के बारे में हम प्रायः सुनते हैं, यहाँ जीएम से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है जीएम का फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हुआ, डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिवस जो है डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, सिनेमा के क्षेत्र में जो है स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं हैं। तो पहला है रीता फारिया, दूसरा ऐश्वर्या राय, तीसरा प्रियंका चोपड़ा, और चौथा मानुषी छिल्लर, पाँचवा लारा दत्ता, और छठा जो है डायना हेडन। तो आपको कूट के माध्यम से जो है बताना है कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं। तो
रीता फारिया जो है मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 1966 में, सबसे पहला मिस वर्ल्ड जो है, और दूसरा जो है ऐश्वर्या राय, यह भी जो है मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 1994 में, और तीसरा जो है प्रियंका चोपड़ा, तो यह भी जो है मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 2000 में, और मानुषी छिल्लर जो है अभी 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, और उसके बाद जो है डायना हेडन जो है यह भी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं 1997 में, और लारा दत्ता जो है मिस यूनिवर्स चुनी गई थी 2000 में। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा पांचवा ऑप्शन जो है यह कट हो जाएगा, बाकी जो है 1, 2, 3, 4 और 6 ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा की समांतर काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा, अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं जो है वह अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ग्लोब हो गया मान लीजिए, तो इस तरह की जो रेखाएं आप देखेंगे वह जो है अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, और इस तरह की जो रेखाएं मिलेंगी वह जो है आपकी देशांतर रेखाएं होंगी। और अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा महान स्नानागार। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुरक्षा परिषद। और अगला क्वेश्चन है गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है जो कि हमारे शरीर में विटामिन के किस रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा विटामिन ए के रूप में जो है यह परिवर्तित हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा प्रशांत महासागर। और अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा हिंदी भाषा। और अगला क्वेश्चन है भारत में किस शहर में सर्वाधिक संख्या में स्मारक हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन है भारत में रबर के उत्पादन का 90% देने वाले राज्य का क्या नाम है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा केरल जो है वह भारत में रबर उत्पादन का जो है 90% जो है उत्पादन करता है। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने नमामि गंगे जागृति यात्रा नामक नए जागरूकता अभियान को शुरू किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा उत्तर प्रदेश द्वारा। और अगला क्वेश्चन है ओलंपिक के मोटो सीटीएस अल्टीएस और फोर्टीएस का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा जो है और तेज और ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा विंबलडन जो है यह घास के मैदान पर खेली जाती है। और अगला क्वेश्चन है शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूडो से। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा न्यूयॉर्क को जो है एम्पायर सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। और अगला क्वेश्चन है किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा दिसंबर 1971 में। और अगला क्वेश्चन है निम्न कार्यक्रमों में से कौन सा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लेने का उद्देश्य रखता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2019 तक जो है कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया था। और अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग है यानी कि फाइनेंस कमीशन एक, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा संवैधानिक संस्था है। और अगला क्वेश्चन है जीतल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया गया था किसके द्वारा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा इल्तुतमिश द्वारा जो है
तांबे का जीतल नामक जो है सिक्का जारी किया गया था और चांदी का टंका भी जो है यह चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो है यह सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है जो है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद जो है वह क्या होगा, तो चलिए जो है देख लेते हैं। पहला है 439, उसके बाद 464 है, उसके बाद 500, फिर जो है 549। तो आप देख सकते हैं 439 और 64 में जो है कितने का डिफरेंस है, तो 25 यानी 25 का, 25 जो है किसका स्क्वायर होता है तो 5 का। और इसके बाद जो देखेंगे 464 में जो है, उसके बाद 500 में कितने का डिफरेंस है, तो दोनों में जो है आप देखेंगे 36 का डिफरेंस है, तो यह 6 का स्क्वायर होता है। उसके बाद 500 से लेके जो है 549 देखेंगे तो 49 का डिफरेंस हो रहा है, तो 49 जो है वह किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है। उसके बाद जो है आप देखेंगे जो है आगे किसका होगा, तो यहाँ देख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 यानी कि 64। अब 549 में आप 64 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा जो है 613, तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मधु अपने घर से सर्वप्रथम 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ चली, तत्पश्चात जो है वह 3 किलोमीटर अपने बाएं मुड़कर चली, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली और अंत में वह अपने बाएं मुड़ी और चलती गई, अब वह जो है किस दिशा में जा रही है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसे लगा सकते हैं, तो चलिए जो है देख लेते हैं। तो पहला जो है वह कह रहा है कि मधु अपने घर से, मान लीजिए घर हो गया, घर से 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ चली, तो आप जानते हैं यहाँ ऊपर जो है होता है नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, नीचे जो है साउथ होता है, और इधर जो है आपका पूरब होता है यानी कि ईस्ट, और ये जो है आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो पूरब की ओर जो है कितना चली, 2 किलोमीटर। उसके बाद जो है तत्पश्चात वह 3 किलोमीटर अपनी बाएं मुड़कर चली, तो इसका बाएं जो है हो जाएगा इधर 3 किलोमीटर। उसके बाद जो है क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, तो दाया जो है इसका इधर हो जाएगा 5 किलोमीटर चली। उसके बाद जो है और अंत में वह अपने बाएं मुड़ी और चलती गई, बाएं तो बाएं जो है ऊपर हो जाएगा और चलती गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रही है, तो ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर कौन सी दिशा है, तो ऊपर जो है नॉर्थ है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वह आपका नॉर्थ होगा यानी कि उत्तर, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अब अगला जो है क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 116 में जो है आपको जो है संबंध बताना है, जैसे कि जो है ऊंट का संबंध रेगिस्तान से है, तो स्टीमर का संबंध जो है किससे होगा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ऊंट जो है वह रेगिस्तान में चलते हैं, तो स्टीमर जो है उसी तरह कहाँ चलता है, तो वह समुद्र होगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मोहन सुबह जल्दी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, कुछ दूर बाद वह अपने दाएँ फिर दाएँ फिर बाएँ अंत में बाएँ मुड़ा और आगे चलता गया, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करिए जो है, उसके बाद जो है लगाइए इसको। तो चलिए जो है देख लेते हैं, मोहन सुबह जो है बहुत जल्दी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो उत्तर दिशा जो है आपका ऊपर होगा, मान लीजिए मोहन हो गया, उत्तर दिशा की ओर जो है वह जा रहा है, कुछ दूर बाद जो है वह अपने दाएँ, तो दाएँ जो है इधर हो जाएगा, दाएँ फिर जो है दाएँ, उसके बाद फिर जो है क्या कह रहा है, फिर दाएँ फिर बाएँ, तो बाएँ जो है इधर हो जाएगा, अंत में बाएँ मुड़ा और आगे चलता गया, तो बाएँ जो है किधर होगा, ऊपर होगा और चलता गया, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है आपसे पूछा गया, तो ऊपर जो है आप देख सकते हैं ऊपर कौन सा है, तो आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ भी जो है आपका ऑप्शन सी से होगा उत्तर दिशा की ओर। और अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में नेशनल को जो है देख सकते हैं ENITNOLA लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सर्च को जो है कैसे लिखा जाएगा, तो चलिए जो है देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप नेशनल को जो है, तो यहाँ सबसे पहले जो है दो दो अक्षर आप देख सकते हैं, यहाँ दो दो अक्षर जो है एन ए को जो है ए एन लिख दिया गया, फिर जो है आई टी लिखा गया, फिर जो है एन ओ लिखा गया, फिर जो है एल ए, तो इस तरह आप दो दो जो है लिख सकते हैं यहाँ भी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ई एस, तो आप देखेंगे ऑप्शन में ई एस तो सभी में है, उसके बाद जो है आर ए, तो आर ए देखेंगे जो है
तो यहाँ ऑप्शन ए जो है मैच, यहाँ ऑप्शन ए और डी दोनों जो है मैच कर रहा है। तो उसके बाद फिर आगे देखेंगे एच सी, तो एच सी यहाँ भी है, तो ऑप्शन ए जो है यही मैच कर रहा है, ए ही जो है यहाँ सही होगा। आगे भी देख लीजिए, तो एच सी हो गया, फिर जो है डी ई, तो जो है ऑप्शन ए ही जो है मैच कर रहा है। तो इस तरह आप इसे भी सही कर देंगे, ऑप्शन ए जो है यहाँ इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो है वह यहाँ भी जो है संबंध बताना है, जैसे शाकाहारी का संबंध गाय से है तो मांसाहारी का संबंध किससे होगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यहाँ सही होगा, शेर जो है, जिस तरह जो है गाय शाकाहारी है उसी तरह जो है शेर जो है यहाँ क्या हो जाएगा आपका मांसाहारी। गिद्ध भी जो है मांसाहारी होता है, लेकिन यहाँ जो है सही होगा वह आपका डी से होगा, शेर। और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 120 में जो है बाईं ओर चार समस्या आकृतियां हैं और पांचवीं के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। समस्या आकृतियों में से कोई एक ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक से जो है बैठ सके। तो समस्या आकृति आप देख सकते हैं, और उत्तर आकृति में जो है बताना है आपको कौन सा यहाँ सही हो जाएगा। तो इसमें जो है आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ सही होगा आपका। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।